If you are thinking, as this montage plays before your eyes, that this industrial unit is just a mill with nothing much to offer other than the paper it was built to produce, you would be wrong. These hills of bagasse that stand so tall, these bricks stacked upon each other to house these machines that work relentlessly day in and day out, are but witnesses to the people that have come and gone, and the stories they have left behind to be remembered forever. One such tale is the boiler, the turbine, and the people of PACA. Today, PACA Limited generates its own electricity. It uses this energy to power the machines, offices, and residences in the company's colonies. But it wasn't always like this, at least not 30 years ago. जब हम लोग बिजली नहीं बनाते थे तो हम लोग हाइड्रिल से बिजली लेते थे। कभी कभी क्या है, बहुत लंबी पावर कट हो जाती थी और एक एक महीने तक पावर कट रहती थी। इससे हमारी कंपनी पर बहुत घाटे का सौदा बन जाता था। कंपनी ने और एमडी साहब ने सोचा क्यों ना अपना ही पावर जनरेशन प्लांट लगाया जाए, तो उसके लिए एक स्टीम टर्बाइन और बॉयलर की जरूरत थी। दोनों मशीनें नई थी और सभी आदमी काम करने के उत्सुक थे। इसमें एक उत्सुकता यह था कि हमारी अब जो बिजली नहीं कटेगी। While the decision to buy the boiler and the turbine seemed like the only way to pull PACA out of the power cut crisis, the company had to take a loan from the government for crores of rupees. While their pockets wept, their hearts brimmed with hope, and the people of PACA welcomed into their factory the boiler and the turbine. इस प्रोसेस में एक निर्णय गलत हो गया कि हम लोगों ने बॉयलर सेकेंड हैंड ले लिया। टर्बाइन हमारा नया था लेकिन छोटा था। बॉयलर पुराना होने के कारण बार बार चलाने पर पंचर हो जाता है। हमारे यहाँ जब टर्बाइन लगी है तो पहले लगने के बाद जब उसको स्टार्ट किया गया तो बहुत ज़्यादा उसमें ट्रिपिंग होती थी। कभी कभी एक एक घंटे के बाद भी ट्रिप हो जाती थी, तो हम लोग उसको अपना अथक प्रयास करके उसमें लगे रहते थे। ऐसे त्रुटियाँ जो है काफ़ी दिन तक चलती रही। ड्यूरिंग दिस टाइम कृष्णा कुमार झुंझुनवाला, द फाउंडर ऑफ PACA, वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर। As the boiler and the turbine refused to work and the company kept losing money, KK lost something much more valuable, hope. एमडी साहब ने कहा कि अगर 11 अप्रैल तक 97-98 की बात है टर्बाइन नहीं चली तो हम कंपनी बंद कर देनी पड़ेगी। And that was when the people of PACA did something so commendable and so unexpected that it transformed this series of unfortunate events into a beautiful story, worthy of being retold even 30 years later. MD साहब ने जब कहा कि आप लोग अपना रास्ता पकड़ लीजिए, तो ये राम लखन तिवारी ही बोले कि सर जब हम लोग गरीब थे तो आपने मुझके साथ थे और आप अब इस समय बता रहे हैं कि हमारी स्थिति खराब है तो हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने ये निर्णय सबको निर्णय लिया कि पैसा मिले या न मिले काम सबको करना है, जो होगा फिर देखा जाएगा। कई एक्सपर्ट आए और कई बार उसमें प्रोसेस में चेंज भी हुए लेकिन बॉयलर सही नहीं चल पा रहा था। तो हम लोग मशीन को ठीक करने के लिए 1-1.5 बजे रात को रुक रुक के काम करके और मशीनों को ठीक किया जाता था। तो रात में 2-3 बजे 4 बजे जब तक काम पर खत्म नहीं होता था तब तक रुक के काम करके तो जाते थे। यहाँ पर हम 24 घंटे की भी शिफ्ट कर चुके हैं। टीम ने कभी उसमें हिम्मत नहीं हारी और जब भी जिसकी जरूरत होती थी लगातार बगैर रुके काम करते थे। सुबह हम लोग आ जाते थे तो शाम को जाने के लिए नहीं सोचते थे। क्या फिर टर्बाइन धीरे धीरे चलना चालू हुई तो 1 घंटे कभी 2 घंटे चलती थी, कभी 3-3 घंटे, धीरे धीरे अपनी स्पीड को धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ता गया। फिर 24 घंटे तक चलती गई। 24 घंटे बाद ट्रिप होने लगी। बॉयलर को धीरे धीरे चालू किया जाता था और कोई दिक्कत आती थी तो बंद करके फिर चालू किया जाता था। 6 महीने लगभग प्रयास करते रहे तब जा करके हमारी टर्बाइन जो है वो उत्पादन पे आई। लोग काम करते थे तो गलती हो जाती थी,
तो के साहब बोलते थे कि गलतियां करे आदमी, कोई बात नहीं, लेकिन उससे सीख ले तो ठीक है। टरबाइन चलने वाला दोनों चल गया और सबको खुशी होने लगी। तो सारे आदमी खुश हुए, एमडी साहब बुलाए और सबको जो एक्स्ट्रा वर्क सब अपना किए थे वो नोट करके रखे थे और सबको पूरा पैसा पेमेंट कर दिया गया कंपनी की तरफ से। बहुत बड़ी खुशी हुई। एंड जस्ट लाइक दैट The people of PACA saved their company, the livelihoods of hundreds working for it, and the dream of a man to make the world a better place to live in. आज हमारे पास कुल मिलाकर 3 बॉयलर और 2 टरबाइन, और दोनों टरबाइन और बॉयलर स्मूथली चल रहे हैं, जो कि आज भी हम लोग उससे बिजली बना करके उत्पादन ले रहे हैं। Today, PACA is its people and its offices and its machines. But more than that, it is its people. People who would put everything on the line to save their company. PACA wouldn't just not be where it is now, but wouldn't be at all if it wasn't for the boiler, the turbine, and the people of PACA.